नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप लव मैरिज करेंगे, प्रेम विवाह करेंगे और प्रेम विवाह करके क्या आपको सफलता मिलेगी। आज इन्हीं सारी बातों को लेके इस वीडियो के माध्यम से हम उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना, जीवन की घटना, जीवन का संयोग, जहां से जीवन की रेखा चलती है और जहां पे एंड होती है उसके ऊपर निश्चित होता है, हमारी वो जीवन रेखा बताती है। और इसी प्रकार से ये माइंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं दिमाग की रेखा, हमारे मन के बारे में बताती है, हमारे विचारों के बारे में बताती है और उसके गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा प्रेम की प्रमुख मानी जाती है, जीवन का आनंद में पूर्ण व्यवहार के बारे में बताती है, सुख की सुविधा के बारे में बताती है, हमारा जीवन कैसे रहेगा, हमारे जीवन में प्रेम संचार की घंटी बजेगी कि भी नहीं बजेगी, वो हमारी हृदय रेखा बताती है। आज हमने बात की है कि प्रेम विवाह, प्रेम विवाह दर्शाता है कैसे, हाथ की रेखाओं से कैसे हमें आभास होता है, ज्ञान होता है कि हम अपने हाथ की रेखाओं को देखकर कैसे समझे कि मेरी प्रेम विवाह होगी कि या मेरा अरेंज विवाह होगा। सबसे पहले तीन मुख्य बिंदुओं को हम ढूंढते हैं। सबसे पहले बिंदु जो हमारी जीवन रेखा को, हमारे मन की रेखा को विचलित करे, प्रभावित करे, मन में जोश पैदा करे, वो हमारी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का डिफरेंट होना, अलग होना। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से जो भी कार्य करते हैं या जो काम करने की डिसीजन लेते हैं, इन रेखाओं का डिफरेंट होना, मन के विचारों में भिन्नता होना, अलग होना विचार। और इसी प्रकार से अंगूठा, ये अंगूठा हमारा जो है ना, सशक्त हो, मजबूत हो, डिसीजन तभी लेंगे आप। फ्लेक्सिबल अंगूठा जो होता है, पीछे की मुड़ने वाला अंगूठा जो होता है, वो दूसरे के साथ कंप्रोमाइज नेचर को कर लेता है, लेकिन सीधा अंगूठा आदमी का जो डिसीजन होता है पक्का होता है, वो हठी होता है जिसको कह सकते हैं। अपने हठ के स्वभाव से, अपने पराक्रम के स्वभाव से दूसरों को झुकाना जानता है, झुकता नहीं है ऐसे लोग। और जो अगला हमारा जो शुभ साइन है, कहते हैं ना विवाह की प्रमुख मानी जाती है, हमारी जो हमारी ये फेट लाइन है, फेट लाइन हमारे प्रेम के संचार को, साथ में हमारी एनर्जी को भी बढ़ाती है। जब भी हमारा ये मून का क्षेत्र है, इसको चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत आपने देखा होगा, ऐसे लोग अटल मन के होते हैं, सच्चे मन के होते हैं और जिस चीज को मन में ठान लेते हैं हमने करना है, उस चीज को करने का प्रयास करते हैं। आपने अपने लाइफ में देखा होगा, जिसकी चंद्रमा का पर्वत मजबूत होता है उसका डिसीजन बड़ा अच्छा होता है, उसकी सोच समझ बहुत अच्छी होती है और उनके विचार भी काफी अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग भावुक होते हैं, प्रेम कौन करता है, भावुकता वाले करते हैं और ऐसे लोग प्रेम के प्रवाह में बहना जानते हैं और प्रेम की बातें करना जानते हैं। कहते हैं नमन गहराइयों को टटोलता है। और इसी प्रकार से जब भी प्रेम की प्रवाह बढ़ेगी, आपके अंदर प्रेम करने की इच्छा को प्रबल बढ़ाएगी, एक चंद्रमा के पर्वत से एक रेखा इस हमारे भाग रेखा में मिलेगी।
मिलेगी। आपके प्रेम प्रवाह की धड़कन को बढ़ाई है इसने, एक सहयोग को लिया है। और ये रेखा अगर चंद्रमा से आपके फेट लाइन में मिलती है, आप निश्चित है कि आप अपने लाइफ में प्रेम विवाह ही करेंगे। और ये प्रेम की शाखा जो होते हैं ना, जो हमारा दिल होता है, कहते हैं ना दिल धड़कता है, तो इस चंद्रमा का पर्वत बताता है। और ये रेखा काटती ना हो, नहीं तो प्रेम का जो संचार उठा है वो कट जाएगा, एक उसकी डोर को काट देगा। सिर्फ इसमें संयुक्त होना, कॉम्बिनेशन मिलाना, कॉम्बिनेशन होना, जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाना। और इसका जो दूसरा लक्षण है, प्रेम को प्रभावित करता है, प्रगाढ़ करता है, मिठास पैदा करता है। ये हमारे गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत यहां पर एक क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन कहते ना, प्यार को अटल कर देता है, प्रेम में प्रगाढ़ता लाता है। और ऐसे लोग एक निश्चित सच्चे मन के प्रेम करने वाले होते हैं, प्रेम के पक्के माने जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो फेट हार्ट लाइन है, ये शनि के और गुरु के पर्वत के सेंटर में जाए, ऐसे लोग अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं, मन की करने वाले होते हैं। और दूसरी बात को, जैसे कि ये हमारी सन की रेखा, सन की रेखा से एक रेखा हमारे इस हार्ट लाइन में मिले, हार्ट लाइन में मिलने का संकेत है कैसे लोग अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करते हैं, माता पिता की स्वीकृत से नहीं करते हैं, अपने अंदाज में करना जानते हैं और करते भी हैं ऐसे लोग। और ये शुक्र के पर्वत के ऊपर एक जाल बनाओ, यहां पे जाल बनाओ। शुक्र क्या है, पावर को बढ़ाता है, आपके अंदर की वो शक्ति को जगाता है। ऐसे लोग अपनी खुशी को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए सारी सरहदें पार कर जाते हैं, और ऐसे लोग प्रेम विवाह ही करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।